हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ अपनी स्ट्रैटजी शेयर की थी, वो सिंगल स्ट्रैटजी जिसको मैं फॉलो करता हूँ एंड उसकी वजह से मैं प्रॉफिटेबल होना। तो सेम सेटअप के साथ, सेम स्ट्रैटजी के साथ मैंने ट्रेड लिया था एंड उस पर मैंने प्रॉफिट बुक किया है 60,000 रुपीज़ का। ये अलग अलग ट्रेड्स थे तो मैं आप लोगों को स्क्रीन में जाके शो करता हूँ। एंड ये जो ट्रेड्स है, मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये पोजिशंस मेरा ओपन है, और क्योंकि ईरान और इसराइल का वॉर चल रहा है तो ज़्यादा चांसेस है कि अगर मार्केट न्यूज़ पर रेट करता है तो लॉस होने वाला है, ये मैंने बता रखा था। बट लकीली आज के दिन, मंडे के दिन, मार्केट न्यूज़ पर रिएक्ट नहीं किया, तो स्ट्रेटजी को काम करना ही था। एंड ये जो भी चार्ट्स हैं उसको मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर रखा था, जो भी टेलीग्राम में जुड़ा हुआ है उसको ऑलरेडी मालूम था ये स्टॉक पर ट्रेड होने वाला है एंड उसको फ़ायदा हुआ है। तो चलिए डायरेक्टली स्क्रीन में चलते हैं एंड देखते हैं इसके बारे में। हाँ तो दोस्तों, ये स्क्रीन पे आ चुका है, कंप्यूटर स्क्रीन पे, और मैं सबसे पहले तो दिखा देता हूँ। दो अलग अलग अकाउंट पे मैंने ये ट्रेड्स लिए हुए थे। सबसे बड़ा प्रॉफिट बुक किया मैंने विप्रो में, मे के फ्यूचर में 26,325 रुपीज़ का। एंड फिर टाइटन और एक्सिस बैंक में छोटे छोटे प्रॉफिट्स थे। ये ऐसे काम चला हुआ था, ठीक है, आज ही पोजीशन बना के बुक कर लिया। तो टोटल देर होता कि अकाउंट में 37,000 का प्रॉफिट। और अब स्टॉक्स में मेजर प्रॉफिट हुआ मेरे को अल्ट्राटेक सीमेंट में, तो 17,000 बुक किया। सोलह हज़ार आठ सौ रुपये बुक किया, 2,600-2,100। एंड टोटल ओवरऑल जो प्रॉफिट इसमें बुक किया वो है 21,500 और इसमें 37,000, तो टोटल वही 59 के आसपास का टोटल प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब ये कौन कौन सा स्टॉक पे खरीदा था, क्या क्या एनालिसिस करके खरीदा था, उसको मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये टोटल 6 स्टॉक्स थे, विप्रो, अल्ट्राटेक, एक्सिस बैंक, डॉक्टर रेड्डी, अबॉट इंडिया एंड टाइटन। तो ये जो है, ये सेम स्ट्रैटजी पे जो मैंने ग्रुप में शेयर किया था, जो मेरे एक सिंगल स्ट्रैटजी, उसी पे सब में ट्रेड लिया हुआ था। एंड ऑलरेडी मैंने इसको 21 अप्रैल को ही, संडे के दिन ही, हम लोगों को ये मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया था ये सब स्टॉक्स। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ उस डेट पे कैसा दिख रहा था, ठीक है। तो जब मैंने शेयर किया था तो ये कंडीशन कुछ ऐसी थी इसकी, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पर आया हुआ था, प्राइस यहाँ पर आया, सपोर्ट ले रहा था, एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ, वहाँ पर एक ईएमए का भी सपोर्ट था एंड फिप भी था। तो ये हमारे स्ट्रेटजी पे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फ्राइडे के दिन एंट्री बना लिया था इसमें, विप्रो में। एंड उसके बाद अबाउट इंडिया का देख लीजिए, सेम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पर आया यहाँ प्राइस, एक बुलिश कैंडल स्टिक बनाया ईएमए के पास एंड फिप रिट्रेसमेंट वाला। तो इसमें भी मैंने फ्राइडे के दिन पोजीशंस बना लिया था अबाउट इंडिया में भी। ये दोनों तो एग्जैक्ट सेटअप पे है एंड इसके अलावा भी और भी सेटअप पे था, जैसे एक्सिस बैंक का दिखाता हूँ। एक्सिस बैंक भी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पर था, बुलिश कैंडल स्टिक, फिप उतना ज़्यादा इसमें अच्छा नहीं था, बट स्टिल ये सेटअप पे है। तो इसमें भी पोजीशंस उस दिन ही बनाया था, आज ही के दिन बनाया, मंडे के दिन इसमें। और टाइटन हो गया, तो टाइटन भी उसी दिन मैंने बना लिया था। ये भी है, अब इस जो मैं सेटअप बताया हल्का सा डिफरेंट है कि इसमें सपोर्ट पर नहीं है, बट स्टिल बुलिश कैंडल स्टिक, फिप, और एक प्रकार से देख सकते हैं कि ये ट्रैपिंग जैसा सीन है कि ये जैसे ब्रेक हुआ सेलर्स एक्टिवेट होते हैं। तो ये वाला भी मैं सेटअप यूज़ कर लेता हूँ। तो टाइटन में भी मैंने पोजीशंस बनाया था। और एक हो गया अल्ट्राटेक सीमेंट का, ये भी सेम टाइटन के जैसा है, ये ब्रेक हुआ, एक बुलिश कैंडल स्टिक फॉर्म हुआ, तो अपसाइड का ट्रेड इसमें भी लिया था। एंड डॉक्टर रेड्डी में भी देखेंगे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पर आया है छोटे टाइम फ्रेम पे, हल्का सा इसमें बुलिश कैंडल स्टिक है 1 आर पे, तो इसमें भी ट्रेड लिया हुआ था, ठीक है। अब इसको अभी आज की कंडीशन में मैं आप लोग दिखाता हूँ अभी क्या पोजीशन है इसका। तो देखिए यार, अभी क्या है, मार्केट सेंटीमेंट क्या है, थोड़ा सा नेगेटिव है। सेंटीमेंट नेगेटिव इसलिए क्योंकि वॉर चल रहा है ईरान एंड इसराइल के बीच, जिसकी वजह से मैंने ये प्रॉफिट्स को बुक किया है, ठीक है। ये जो प्रॉफिट्स मैंने बुक किया, इस वजह से मैंने प्रॉफिट्स बुक किया क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम तक इसको कैरी आउट नहीं करना चाहता था, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड करने से कल के दिन पता चल रहा है सच में वॉर हो गया तो बहुत भयानक लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से मैंने जल्दी छोटा सा प्रॉफिट लेके बुक निकलने की कोशिश किया। वरना ऐसा नहीं है कि टारगेट अचीव हो चुका है, टारगेट अभी भी अचीव नहीं हुआ है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ हर एक शेयर का, जो भी, जैसे कि विप्रो का था, विप्रो का हम लोग का एंट्री नीचे ही ट्रिगर हो गया था, तो विप्रो का हम लोग का एंट्री नीचे ही ट्रिगर हो गया था और एंट्री भी मैंने फ्राइडे के दिन बना लिया था। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर आने वाला है ट्रेंड लाइन का, और मेरे को लगता है ट्रेंड लाइन से ब्रेक करके और ऊपर भी जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है इसमें। अल्ट्राटेक का भी देख लीजिए, यहाँ पर जो हमारा एंट्री हुआ है अभी तक इस ट्रेंड लाइन तक इसको पहुँचना चाहिए, ट्रेंड लाइन तक जाएगा तो बहुत बड़ा टारगेट है ये, यहाँ पर है ना, बहुत बड़ा टारगेट है, देखिए ऑलमोस्ट 5% का टारगेट होगा यहाँ पर।
तो मैं बहुत जल्दी ही निकल गया क्योंकि मैं वो नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। अभी इसमें तो कुछ प्रॉफिट हुआ ही नहीं, मैं आज ही पोजिशन बनाया था, तुरंत एग्जिट कर दिया। भाई सीधा सा रीज़न है कि अभी थोड़ा सा वॉर का माहौल है, तो यार न्यूज़ वगैरह जब आती है ना तो कोई भी हमारा टेक्निकल एनालिसिस या कुछ भी चीज़ काम नहीं करता है, वहाँ पर सिर्फ न्यूज़ पे ही मार्केट चल जाता है। जो सेंटिमेंट रहेगा न्यूज़ पे वैसे ही चलेगा, इस वजह से उस टाइम के लिए थोड़ा सा अवॉइड करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। फ्राइडे के दिन मेरा कन्फ्यूजन थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि एग्जैक्टली मेरे सेटअप पे बना हुआ था, जिसकी वजह से मैंने थोड़ा सा हाई रिस्क लेके ये ट्रेड लिया हुआ था। तो एक्सिस बैंक का भी देख लीजिए, यहाँ पर जो हमने एंट्री किया तो फिर इसका टारगेट भी यहाँ तक पेंडिंग है, बट मैं बता दिया छोटा छोटा प्रॉफिट्स मैंने ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ। चाहूँ तो इसमें भी अभी मैं पुल बैक में ट्रेडिंग कर सकता हूँ, अब जो भी करूँगा वो इंट्राडे ही करूँगा जब तक कि कंडीशन अच्छा नहीं हो जाता, है ना। सेम डे पे खरीद के सेम डे पे बेचने वाले काम करेंगे, ओवरनाइट पोजीशंस होल्ड करना आज की कंडीशन में बहुत ज़्यादा रिस्की काम हो जाएगा, इस वजह से इसको जल्दी से प्रॉफिट बुक कर लिया है मैंने। डॉक्टर रेड्डी का भी दिखा देते हैं, डॉक्टर रेड्डी का भी सेम सेटअप बना हुआ है और इसका भी टारगेट जो है वो यहाँ तक जाएगा, स्टैंड लाइन तक भी। तो मैंने आज ही के आज ही पोजीशंस बनाई एंड यहाँ पर आके इसको एग्जिट कर दिया। अबॉट इंडिया का भी देख लेते हैं, तो अबॉट इंडिया का भी सेम सेटअप था, यहीं का हमने एंट्री किया था, यहाँ पे आके इसको मैंने सेल कर दिया है, ठीक है। तो लेकिन इसका एक्चुअल टारगेट जो है वो इस ट्रेंड लाइन तक है। अब इसमें कई लोग पूछेंगे कि भाई कितना पैसा आपका टोटल लगा है, तो मैं आपको पैसे बता देता हूँ कितना लगा है। सबसे पहले तो यार एक अकाउंट में बस बहुत ज़्यादा पैसे हैं ऐसा भी नहीं है, इसमें देख लीजिए 2.93 लाख रुपीज़ हैं इस वाले अकाउंट में। तो सबसे पहले तो विप्रो पे मैंने पोजीशंस बनाया हुआ था, एक विप्रो लॉट आता है 1. देख लीजिए कितना में 1.23 लाख में, है ना, 1.25 लाख में एक लॉट आ गया था। उसके अलावा एक और लॉट खरीदने का मेरे पास इसमें जगह था, तो मैं पहले टाइटन का खरीद रखा था, हाँ मेरे को मालूम है टाइटन का फ्राइडे के दिन खरीद रखा था, तो इसमें थोड़ा अच्छे से मूव नहीं आ रहा था जिसकी वजह से इसको कट के मैंने एक्सिस बैंक का खरीदा आज ही के दिन मंडे के दिन, एंड इन दोनों में मिला के ऐसा प्रॉफिट। एट अ टाइम इतने पैसे में सिर्फ दो ही लॉट में खरीद सकता हूँ, वो सब या तो सिंगल स्टॉक का या फिर दो अलग स्टॉक्स का। सिमिलरली अब स्टॉक्स में भी देखेंगे तो अब स्टॉक्स में भी इसमें थोड़ा सा फंड उसके कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा है, 4.5 लाख के आसपास है इसमें। और इसमें भी देख लीजिए पोजिशंस क्या क्या था, एक तो अल्ट्राटेक का था, अल्ट्राटेक में 18,000 लगभग बुक किए, तो अल्ट्राटेक का देख लीजिए प्राइस कितना होता है एक लॉट का, 1,71,000, ठीक है, 1,71,000 रुपये लगा के हमको 17,000 के इसमें प्रॉफिट हो गया। एंड इसमें अबॉट इंडिया में मैंने से पहले से पोजिशन बनाया था, फ्राइडे के दिन देख लीजिए, फ्राइडे के दिन मेरे को 4,000 का प्रॉफिट था, तो आज थोड़ा सा मूव नहीं आ रहा था तो मैं इसको एग्जिट कर दिया था, और 2,000 का आज ही दिन लॉस हुआ, बट ओवरऑल 2,000 का प्रॉफिट में क्लोज किया। और अबॉट इंडिया को पोजिशंस कट करने के बाद मैंने डॉक्टर रेड्डी को किया, क्योंकि इतने पैसे 4,500 में भी एट अ टाइम दो ही स्टॉक आ सकती थी, ठीक है। जैसे डॉक्टर रेड्डी का प्राइस क्या है एक लॉट का, 1,34,000, अल्ट्राटेक का देख लीजिए, अबॉट इंडिया का 1,87,000, तो वही था अबॉट इंडिया को कट किया एंड डॉक्टर रेड्डी को पोजिशंस बनाया था, ठीक है। तो नेट नेट अगर देखा जाए तो कितना यार एट अ टाइम मेरा 4 स्टॉक्स ही ओपन थे, है ना, तो 1.5 लाख × 4 कर लो, 6 लाख रुपये शायद लगा रहा होगा एट अ टाइम, तो 6 लाख रुपये पे ऑलमोस्ट 60,000 बनाए, तो 10% का रिटर्न है इन 2 डेज। फ्राइडे को पोजीशंस बनाया था एंड मंडे के दिन एग्जिट कर दिया है। तो ऐसा हफ्ते में एक बार भी अगर आता है तो हमको चुपचाप बैठ जाना है, क्योंकि डेली ऐसा प्रॉफिट्स बुक नहीं होते हैं, डेली ट्रेड करने से लॉस हो जाता है। अब मैं देखूंगा, आप अगर कर रहे हैं तो मैं 3-4 दिन पोजिशनल नहीं करूँगा, इंट्राडे जैसा ही करूँगा, क्योंकि जब तक कि माहौल शांत नहीं हो जाता, ठीक है, वॉर वगैरह सीन पीसफुल नहीं होगा तब तक ओवरनाइट होल्ड करना बहुत रिस्की हो जाएगा। तो अगर होता है तो मैं आने वाला भी ट्रेड्स आपको बताऊँगा वीडियो ऐसे बना के, और जो रहेगा कि मैं ये करने वाला हूँ ये सेटअप एंट्री, तो ये टेलीग्राम में मैं बता देता हूँ, ठीक है। पहले चालू नहीं किया था बट अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये सब बताना अभी, तो टेलीग्राम में ऐसे चार्ट्स मैं शेयर कर दूँगा से कमेंट्स लिख के, एंड एंड अगर कुछ पोजीशंस बने होंगे तो यहाँ पे भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो अगर आप लोग करना चाहो तो, बाकी यूट्यूब में तो वीडियोस मैं डालता ही रहूँगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आई होप किस प्रकार से सेटअप पे मैंने ट्रेड लिया था आप लोगों को यहाँ पर समझ आ गया होगा, और भी वीडियोस बनाते रहेंगे जब जब इस सेटअप पे ट्रेड लूँगा तब तक, ठीक है। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।